आज हमारे पास आ रखा है एक हेडफोन, एक ऐसा हेडफोन जिसमें आपको देखने को मिलती है ऑक्स कनेक्टिविटी, साथ ही साथ तगड़ी बैटरी परफॉर्मेंस और गजब का ड्यूल पेयरिंग कनेक्टिविटी ऑप्शन। ये है नॉइस के 3, द हेडफोन 3। हमें 1 और 2 ऑलरेडी रिव्यू कर रखे हैं, कार्ड में ऊपर मैं ऐड कर दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट कर रहे हैं तो देख लेना। वैसे आज हम बातचीत करने वाले हैं नॉइस 3 के बारे में, तो राम राम सभी को, क्या हाल चाल है। शुरू करते हैं बातचीत, और पहले खोलेंगे हम लोग यहाँ पे इसका डब्बा। डब्बे आपको देखने को मिलती है मस्त ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाते हैं कुछ की हाइलाइट्स। कंटेंट पैकेज की बात करें, सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका हेडफोन। हेडफोन के साथ में आपको मिल जाती है यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज, जिसमें आपको मिलेगी एक ऑक्स केबल, एक चार्जिंग केबल टाइप सी वाली, और साथ में मिल जाते हैं कुछ कागज जिसमें मैनुअल है, एक साल का वारंटी कार्ड है, और नॉइस का स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है। पर हम सीधे बात करते हैं यहाँ पे हेडफोन को लेके, तो मेरे पास यहाँ पे दो खूबसूरत से कलर आ रखे। एक जो कलर है वो आपका बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल ब्लैक कलर, और दूसरा यहाँ पर जो है हमारे पास ब्राउन कलर आ रखा है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक नजर आता है, और काफी लोगों के प्रेफरेंस में ये कलर भी रहता है। तो कलर की चॉइस तो आप लोगों पे, आपको जो सा पसंद है आप चेकआउट कर सकते हैं। बट बात करूंगा मैं इसके फिजिकल ओवरव्यू को लेके, तो हेडफोन का जो डिजाइन है ना, काफी लाइट वेट रखा, स्लिक रखा है, और प्लस फोल्डेबल वाला डिजाइन दे रखा है, जो कि काफी लोगों के लिए हैंडी होता है, स्पेशली जब वो अपने बैग वगैरह में कैरी करके जाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेज गोइंग वाले बच्चे हैं या फिर ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिनको एक हेडफोन कैरी करनी जरूरत पड़ती, तो ये फोल्ड वाली चीज कहीं ना कहीं उनके बड़े काम में आती है, तो ये फोल्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो कुशन पैडिंग है वो काफी अच्छी दे रखी है, ऊपर भी आपको हेड पे पैडिंग अच्छी प्रोवाइड कर रखी है, एडजस्टेबल भी मिल जाते हैं, आप इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, लाइट वेट भी है, हेवी फील नहीं होता है। प्लास्टिक का ही आपको पूरा जो है यहाँ पर यूज देखने को मिलता है, एक जगह जो यहाँ पर उन्होंने मेटल का यूज कर रखा वो अच्छा यूज कर रखा है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये चीज ऐसी है जहां से मैक्सिमम आपके हेडफोन जो है ब्रेक होते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर मेटल का देखने को मिलता है सपोर्ट, जिसके चलते आपके हेडफोन टूटने में थोड़े से ड्यूरेबिलिटी के मामले में आपको बेहतर मिल जाते हैं। बाकी ओवरऑल वे में आपके जो ये हेड कप्स हैं ये भी थोड़े से एडजस्टेबल है, आपको मूवेबल देखने को मिलते हैं, फिक्स नहीं है, थोड़ा सा आपके ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। अब काफी लोगों का सवाल हुआ कि ये ऑन द ईयर हेडफोन है या फिर ओवर द ईयर हेडफोन है, तो ये आपको ओवर द ईयर हेडफोन देखने को मिलते हैं, आपके कान जो है इसके अंदर चले जाएंगे और कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ अंदर भी जो कुशन है काफी अच्छे दे रखे हैं, और जो मेजर पार्ट जो यहाँ पे नोटिस होता है ना कि लाइट वेट है। अब लाइट वेट होने की वजह से इसको लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लाइफ 2-3 घंटे की मूवी देखनी है आप आराम से एंजॉय करो, आपको इरिटेट नहीं होगा। इवन अगर आप वर्कआउट करना पसंद करते हैं तो वर्कआउट के टाइम भी आप इसको पहन सकते हो, तो कंफर्ट के मामले में तो हेडफोन को काफी अच्छा बना के रखा है यहाँ पर। नॉइस की आपको बेजिंग वगैरह भी देखने को मिलती है, हल्का से साइड में टेक्सचर भी दे रखा है इन लोगों ने। फिजिकल बटन आपको जो है यहाँ पर इसके एक हेड में मिल जाते हैं, जिसमें आपका मोड वाला बटन दे रखा है, प्लस माइनस का बटन दे रखा है, आपको पावर ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, ऑक्स का इनपुट दे रखा है, और साथ में आपको यहाँ पर लाइट इंडिकेशन प्रोवाइड कर रखा है। वहीं ऊपर आपको एक माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाएगा जस्ट फॉर द कॉलिंग एंड ऑल। वहीं आपको अगर साइड में आपका मिल जाएगा टाइप सी का पोर्ट, और उसी के साथ में आपको लाइट इंडिकेशन भी वहीं पर दे रखा है। लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर जो है लिख रखा है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको किस साइड पहनना है, वो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेल, अगर हम लोग इसकी मेन हार्डवेयर को लेकर बात करते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ 5.3 के साथ ये पैक्ड अप है, तो कनेक्टिविटी में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 10 मीटर की रेंज में आप इसको इजीली पहन के घूम सकते हो। मेरे हिसाब से वो डिस्टॉर्शन वाली या फिर जो ब्रेक वाला आपको कभी अगर एक्सपीरियंस होता है ना हेडफोन्स वगैरह में, ईयरबड्स वगैरह में, तो वो चीज आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। 10 मीटर की रेंज में आप इसको आराम से बिंदास तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल चीज पता है इस हेडफोन की क्या है, वो है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस। कंपनी क्लेम कर रही 70 आवर्स। देखो, कंपनी क्लेम तो बहुत ज्यादा कर देती है, 70 घंटे तो एकदम बहुत एक्सट्रीम हो गया। वो केस होता है, वो सिनारियो होता है जहाँ पे आप इसको 20-30% पे यूज़ करोगे तो 70 घंटे आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो एवरेज एक्सपीरियंस रहा है, जो इतने हेडफोन मैंने यूज़ कर रखे हैं, रिव्यू कर रखे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा पर्सनली कि 70 आवर्स नहीं, आप इसको नियर टू नियर 40 आवर्स तक एक्सपीरियंस ले सकते हो। 60-70% ऑफ वॉल्यूम पे अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, वेरी कर जाएगा और भी ज़्यादा अगर आप यहाँ पे डिफरेंट जो मोड है इसमें से गेमिंग मोड दे रखा है, अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में लैग देखने को मिलता है। अच्छी बात इन्होंने ये भी कर रखी है कि टाइप सी पोर्ट दे रखा है, आप यहाँ पर 10 वॉट के चार्जर से इसको मैक्स टू मैक्स अपडेट कर सकते हैं। 10 वॉट से ज़्यादा के चार्जर मत यूज़ करें, क्योंकि जितने भी डिवाइसेज होते हैं, स्मार्ट वॉचेज, ईयरबड्स, इनमें अगर आप हेवी चार्जर यूज़ करेंगे तो फिर खराब होने के चांसेस बनते हैं। तो रिकमेंडेड चार्जर जो है मैक्स वो है 10 वॉट का, इससे ज्यादा का आप ना इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको एक बेहतर ऑप्शन ये भी देखने को मिलता है कि आपको ऑक्स दे रखा है, अब ऑक्स के थ्रू भी आप यहाँ पे म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। काफी सिनेरियो में जब बैटरी डेड हो जाती है पर हमको म्यूजिक एंजॉय करना होता है, हम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप ऑक्स से भी इसमें म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। बट अब ये सवाल होगा कि हमारे तो फोन में ऑक्स का पोर्ट ही नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर एक और सॉल्यूशन दे रखा है, आपको TF कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, तो अपने मेमोरी कार्ड या फिर SD कार्ड में आप यहाँ पे गाने जो है डाल सकते हैं, और उसके थ्रू भी फिर आप इसमें म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर की तरह आपको जो है इसका स्लॉट दे रखा है, तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए कहने के बन जाता। तो मतलब 3-in-1 टेक्निकली आपके लिए हेडफोन है। बट मेजर कंसर्न सब लोगों का ये होगा कि भाई
आवाज कैसे आने वाली, म्यूजिक कैसा मिलने वाला, साउंड क्वालिटी कैसे इसके। तो 40mm के ड्राइवर्स यूज कर रखे हैं जो कि मैक्सिमम आपको इस रेंज के सारे हेडफोन्स में देखने को मिलते हैं। मेजर यहाँ पर जो थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया है वो इसकी ट्रू बेस टेक्नोलॉजी को इन्होंने किया है। अब यहाँ पे आपको हल्का सा बेस एनहांस मिलता है, डिटेलिंग्स नजर आएंगी बेस में, डेप्थ भी है, रिचनेस भी है, प्लस काफी सारे लोगों को जो थंप है जो बेस में चाहिए होता है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली एक्सपीरियंस होता है जो आप बेस वाले गाने सुनोगे। तो मेरे हिसाब से बेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, एक्सट्रीम हेवी बेस नहीं है जो मतलब काफी लोग बोलते हो ना कि एकदम बिल्कुल पंप चाहिए, वो वाइब्रेशन फील होना चाहिए, वैसा नहीं। एक सटल बेस आपको यहाँ पर सुनाया जाता है जो कि मेरा से काफी लोगों को इंप्रेस करेगा। ट्रेबल्स की बात करो, ट्रेबल्स की क्लैरिटी भी काफी अच्छी, हाई लोज मिड्स काफी अच्छे प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर रखे हैं, दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग कंपेयर करूँ साउंड क्वालिटी को तो मेरे हिसाब से आपको वैल्यूएबल मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अच्छे हेडफोन के साथ जा रहे हैं जहाँ पर आपको क्वालिटी में साउंड की कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर थोड़े और की हाईलाइट फीचर को लेकर बात करूँ तो डुअल पेयरिंग वाली चीज मिल जाती है। डुअल पेयरिंग वाली चीज काफी लोगों के लिए काम में आती है, स्पेशली अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन या फिर स्टूडेंट है। जैसे कभी हम लोग होता है ना कि लैपटॉप से भी हमें कनेक्ट करना होता है, हमारे फोन पे भी हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा है, तो आप यहाँ पे दो डिवाइस साथ में कनेक्ट कर सकते हो और साइमल्टेनियसली स्विच हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैपटॉप में मूवी देख रहा हूँ तो मूवी का साउंड मुझे इसमें आएगा, वहीं अगर मेरे को एकदम से किसी का फोन आ गया तो फोन पे ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा और मैं अपने फोन कॉल को इसी से पिक कर सकता हूँ और उससे बातचीत कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बिल्ट इन माइक्रोफोन ही प्रोवाइड कर रखा है। तो मैं बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, जो क्वालिटी है, वो भी आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो इस हेडफोन के माइक्रोफोन से आ रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस हेडफोन देगा जब आप इसको कॉलिंग में यूज करेंगे और दो सिनेरियो में जब गाड़ियां वाड़ियां निकलती हैं तो कैसी परफॉर्मेंस आती है वो आपको इस ऑडियो सामने आ गया होगा। अब यहाँ पर नॉइस ने एक बहुत अच्छा काम ये भी है कि इन्होंने गेमर्स को डिसअपॉइंट नहीं किया, यहाँ पे आपको जो है 40ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। तो अगर आप गेमिंग पर्पज से भी इस हेडफोन को यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने क्वालिटी के बारे में बात की थी, आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर पाएंगे। मोड दे रखा है, मोड में स्विच करना पड़ेगा, बेस्ट मोड दे रखा है, मोड दबा के आप जब इसको में स्विच करेंगे तब जाके आपको गेमिंग मोड जो है ऑन हो जाता है। अब एक जो डाउट काफी लोगों के दिमाग में आता है, जो काफी कमेंट भी करते हैं मुझे कि भैया अगर हम लोग इसको ऑक्स से यूज कर रहे हैं हेडफोन को तो क्या यहाँ पर इसके माइक्रोफोन में आवाज आएगी या माइक इसका वर्क करेगा, तो गाइस नहीं करता, वो चीज वर्क नहीं करेगी। आप सिर्फ इसमें म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका माइक्रोफोन वर्क करेगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो पावर सप्लाइड माइक्रोफोन यहां पर उन्होंने यूज कर रखा है, तो जिसके लिए इसमें बैटरी होना जरूरी है और वो ब्लूटूथ के टाइम पर ही वर्क करता है। वेल, बाकी तो आपको फिजिकल बटन दे रखे हैं जिसके थ्रू आप इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, सारे फंक्शंस मिल जाएंगे आपको। वॉल्यूम कंट्रोल करना है, प्ले पॉज करना है, ट्रैक फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है, तो सभी चीज आप यहां पर कर सकते हो। अब इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन में बात करूं इस डिवाइस को लेकर, तो इसकी प्राइसिंग जो है 2000 रुपए के अराउंड रखी गई है, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएबल हेडफोन है। और इसके प्रीवियस जनरेशन वाले हेडफोन से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो डेफिनेटली ये बेहतर है, क्योंकि जो मैंने 2 यूज करा था उसमें मुझे साउंड क्लैरिटी में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी और वो नॉइजी भी फील हो रहा था फुल वॉल्यूम पे, तो मुझे उसके मुकाबले ये डेफिनेटली इंप्रेस्ड लगा है। थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने चीजें चेंज करी हैं जो कि आपको अच्छी मिल जाती है। और कॉम्पिटिशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो इस प्राइसिंग में ना अच्छे हेडफोन मिलते भी नहीं है। ज़ेब्रोनिक्स वगैरह और बोट वगैरह के आपको एक दो ऑप्शन जरूर से नजर आ जाते हैं, बट मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। अगर आप इस प्राइस रेंज में ढूंढ रहे हैं 1000-1500 रुपए की प्राइसिंग में, तो मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं वैल्यूएबल हेडफोन मिल जाते हैं। तो अगर आपका मन है इस हेडफोन को चेकआउट करने के लिए तो कलर ऑप्शंस आपके सामने मैंने बता दिए हैं, इनकी लिंक्स और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं हमें भी। और जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कंटेंट तो शेयर जरूर से करना, लाइक कर देना, और भाई को सपोर्ट और प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेट रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।